हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। आर्ट एंड कल्चर में हम लोग देख रहे थे जितने भी रिलीजन से रिलेटेड डिस्कशंस थे, जिसमें कि हम लोगों ने पहले बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस किया था, फिर जैनिज्म, फिर भागवत, शैविज्म, शाक्तिज्म, और फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था भक्ति मूवमेंट के बारे में। ऑन अ सिमिलर नोट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सूफिज्म। सूफिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सूफीवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस ट्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर अवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा देखिए, आर्ट एंड कल्चर की एक फुल फ्लेज्ड कोर्स जो है वो 16th ऑफ अगस्त, मतलब कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगी एंड इट विल बी फॉर वन मंथ। और यहाँ पर आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों की ही प्रैक्टिस करा दी जाएगी, आंसर्स क्वेश्चन सारे ही प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इसकी एक डेमो वीडियो आपको कल मिल जाएगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिसाइड वेदर यू हैव टू सब्सक्राइब फॉर दैट और नॉट। इसके अलावा अगर आर्ट एंड कल्चर में इस सीरीज में अगर बात करें, तो देखिए शॉर्ट वीडियोस आएंगी आपकी जो भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेंगी, जो कि टू द पॉइंट डिस्कशन रहेगा, ताकि आप भी बेनिफिट हो सके। इसके अलावा अगर हम लोग शुरू किया जाए सूफिज्म के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है, और मैं कहूंगा कि इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ आर्ट एंड कल्चर। जनरली पीपल डू स्किप दिस डिस्कशन, बट यहां पर भी क्या है कि इंपॉर्टेंट होता है, 1 to 2 क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड फ्रॉम दीज डिस्कशंस। और ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हम लोग देखेंगे भी कि बहुत ही छोटी डिस्कशन होगी और बहुत ही छोटी नोट्स रहेगी, बट काफी डिटेल्ड, मतलब कि आपको जो होता है ये चीजें याद करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट एक बार अगर याद कर लेंगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन अ लॉन्गर वे। कई बार कई जगह कई अच्छे से आपको बेनिफिट दे रहा होगा। फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूफिज्म के बारे में। तो सूफिज्म के बारे में अगर डिस्कस किया जाए, तो देखिए जिस तरीके से भक्ति मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि जो सोसाइटी की उसमें बहुत सारे कर्मकांड, बहुत सारे रिचुअल्स आ गए थे, जिसके कारण से सोसाइटी जो थी वो एक तरीके से डिवाइडेड सोसाइटी हो गई थी। यहाँ पर लोवेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और वुमेन की कंडीशन कंटिन्यूअसली डिग्रेड करते जा रहे थे, और उसको देखते हुए कुछ लोगों ने, या कह लीजिए कि कुछ जो धर्म को, या फिर कह लीजिए कि जो थोड़े से अलग टाइप के प्रीचिंग्स करते थे, उन लोगों ने बेसिकली एक नई शुरुआत की। और अल्टीमेटली रामानुजाचार्य के द्वारा जो होता है साउथ इंडिया में, और रामानंद के द्वारा जो है नॉर्थ इंडिया में, एक भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई थी। बाद में लोग उनसे जुड़ते गए और अलग अलग तरीके के डिविजन्स इन दिस भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, जहां पर सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, ये दो सेक्ट या दो वेज ऑफ भक्ति मूवमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था अपने लास्ट क्लास में। इसी तरीके से सेम यहां पर भी होता है, सूफी में भी होता है। सूफी में भी जैसे एक सुधारवादी, मतलब आप कह सकते हैं कि दिस इज द इम्प्रूव्ड वर्जन, एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पर भी जो रिचुअल्स हैं, इनकी जो प्रीचिंग्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक रिजिडिटी आने लग गई थी, और उसी चीज को दूर करने के लिए सूफिज्म जो होती है वो स्टार्ट होती है। मतलब आप कह सकते हैं दिस इज अगेन अ सुधार, मतलब कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए, दिस इज अ सुधारवादी मूवमेंट, आप इसको बोल सकते हैं कि सुधारवादी जो होता है ये आंदोलन था। यहाँ पर अगेन जो है शिया और सुन्नी, जो दोनों के बीच में आपस में मतभेद हैं किसको फॉलो किया जाए, उनके इन मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर के बोल सकते हैं कि जो ये पॉलिटिकल, एक तरीके से जो इस्लाम है जो पॉलिटिकल हो रखा था, जहाँ पर जो लोग थे, जो कह लीजिए कि जो होता है इनके टीचर्स थे, वो कहीं ना कहीं जो होता है पॉलिटिकल गेन के कारण से जो आगे अपने एम्बिशंस रख रहे थे, उनके ही खिलाफ जो है एक तरीके का ये सुधारवादी मोमेंट था। और ये बेसिकली वापस से जो हमारे हजरत मोहम्मद ने बोला था, उन्होंने ही, मोहम्मद साहब ने जो बोला था, उनकी ही प्रीचिंग्स को वापस से ले आने के लिए और उसी को फॉलो करने के लिए इन्होंने अपना बल दिया, इन्होंने इस पे फोर्स किया। तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि शिया और सुन्नी आपस में जो मतभेद थे, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उनको दूर करने के लिए ही बेसिकली ये स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें कि कहां से शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत जो है वो देखिए अरब से स्टार्ट होती है। इनफैक्ट टू बी स्पेसिफिक अगर होया जाए, तो यहाँ पर ईरान से शुरुआत होती है, और उस समय ईरान को जाना जाता था पर्शिया के नाम से। तो बेसिकली ये एक पर्शियन मोमेंट आप बोल सकते हैं। अगर इस पे बात करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सूफिज्म, तो सूफिज्म जो है वो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था।
इसके अलावा जो रिजिडिटी ऑफ इस्लाम है उसको इसने कहा कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, वी शुड बी मोर एंड मोर फ्लेक्सिबल। इसके अलावा जो धार्मिक रहस्यवाद है, जो एक तरीके से कह लीजिए कि केवल और केवल हम लोग फॉलो करते हैं, उसको इन्होंने कहा कि हमें जो है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कर्मकांड और जो कट्टर पंथी होती है उसको ये दूर करने को बोले, और इस्लाम और कुरान को इन्होंने कहा कि वी शुड एक्सेप्ट दोज थिंग्स ओनली, हमें जो है जो मेन प्रीचिंग से केवल उनको जो है वो कह लीजिए कि जो होता है अडॉप्ट करना चाहिए। सूफी संत जो है वो एकेश्वरवाद, मतलब सिंगल गॉड में, जैसे कि आपको पता है ये इस्लाम में सिंगल गॉड माना जाता है, अल्लाह को माना जाता है, तो इन्हीं को इन्होंने माना, और वो जो गॉड है, जो अल्लाह है, उनको अपने कह लीजिए कि लवर के तरीके से मानते थे और प्रियतम के तरीके से मानते थे, और उन्हीं के लिए, उन्हीं को कह लीजिए कि खुश करने के लिए, उन्हीं के लिए बेसिकली नाच गाना, डांस, म्यूजिक, कव्वाली और जो भी काम करना होता है बेसिकली वो किया जाता है। यहाँ पर जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनको पीर बोला जाता है, इसीलिए देखे होंगे पीर बाबा बोला जाता है, तो पीर बोला जाता है, और जो स्टूडेंट या डिसिपल होते हैं उसको मुरीद बोला जाता है, तो मुरादे लेकर के जो आते हैं वो बेसिकली मुरीद होते हैं। तो इस तरीके से ये जो एक तरीके से उपनिषद में क्या था, जहां पर टीचर के पास बैठ करके स्टूडेंट जो है पढ़ रहा होता था, सिमिलरली यही पीर के पास मुरीद आते हैं, और उसी पर इन्होंने भी अपना फोर्स दिया है। यहां पर जो सूफिज्म है बेसिकली वो दो टाइप का था, दो टाइप का, एक जो है जिसको बुलाता है बाशरा, दिस इज बाशरा, और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है बेशरा, दिस इज बेशरा। बाशरा वो होते हैं जो बेसिकली इस्लाम को फॉलो करते हैं और पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, और इस्लाम में जितनी भी चीजें दी गई हैं उनको ये लोग अडॉप्ट भी करते हैं, जबकि यहाँ पे बेशरा में ये लोग जो हैं वो इस्लाम को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, और ये बेसिकली एक नोमैडिक जीवन जीते हैं, नोमैडिक लाइफ जीते हैं, मतलब घुमक्कड़ी जीवन ये जीते हैं। अगर इस सूफिज्म के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन किया जाए विद द स्लाइड, तो स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया हैज आल्सो रिजल्टेड इन मेडिवल भक्ति मूवमेंट, द भक्ति मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया इज अ डाइवर्स वे। तो जिस तरीके से मेडिवल इंडिया में, या कह लीजिए कि जो मतलब एंशियंट इंडिया में भक्ति मतलब कि सनातन का हाल हो गया था, हिंदुइज्म का हाल हो गया था, सेम वैसे ही मेडिवल पीरियड में इस्लाम का भी यही काम चल रहा था, और इसी वजह से जिस तरीके से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, सेम वैसे ही यहाँ पर इस्लामिक मूवमेंट या फिर कह लीजिए सूफी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था। थिंकिंग ऑफ भक्ति रिफॉर्मर्स, थिंकिंग लाइक दैट ऑफ कबीर, नानक एंड जो दादू दयाल थे, रामानंद हो गए, ये लोग जो होता है बेसिकली प्रीचर्स बाय द, ये लोग जो होता है वो शेप किए थे जो प्रीचिंग्स ऑफ द सूफी टीचर्स है। अगर इनकी शुरुआत के बारे में अगर बात किया जाए, तो सूफिज्म वॉज अ लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इस्लामिक मिस्टिसिज्म। It has spread into India in the 11th century, but had origin in Persia. जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, वही पर्शिया ये है, या पर्शिया के साथ में ये स्टार्ट होता है। अगर बात करें हम लोग कि आखिर में ये पर्शिया में, ईरान में अगर स्टार्ट हो रहा है, तो इंडिया में कैसे आया, तो इंडिया में देखिए मोहम्मद गजनवी के साथ में कुछ सूफी जो है वो इंडिया में आए थे, और जो पहला सूफी मतलब फर्स्ट सूफी जो आए थे वो थे शेख इस्माइल। तो शेख इस्माइल ये बेसिकली आए थे, और लाहौर में इन्होंने फर्स्ट सूफी सेंट इन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी थी, अपने आइडिया की प्रीचिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद जो इनके मुरीद थे, मतलब इनके जो डिसिपल थे, वो थे शेख उस्मान, और इस तरीके से बेसिकली ये पूरा का पूरा सूफिज्म जो है वो इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। हालांकि अभी हम लोगों ने मेडिवल इंडिया स्टार्ट नहीं किया है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेडिवल इंडिया स्टार्ट कर देंगे, और वहां पर आपको गजनवी और फिर उसके बाद में जितने भी गोरी वगैरह आए हुए हैं, फिर उसके बाद से इंडिया में किस तरीके से दिल्ली सल्तनत आती है और उसके बाद से मुगल से स्टार्ट होते हैं, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से। टुमारो इज द संडे, एंड देन उसके बाद से मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट दैट डिस्कशन। बात किया जाए अगर सूफी में, तो देखिए यहां पर फिर इसके बाद से जब शेख इस्माइल के बाद जब यहां पर सूफिज्म स्टार्ट हो गई थी, तो बहुत सारे इसी तरीके के सूफी संत जो है वो बेसिकली इंडिया में आना शुरू कर दिए थे, और यहां पर अपनी रिलीजियस प्रीचिंग्स देना, अपने आइडियाज को बताना शुरू कर दिए थे एज पार्ट ऑफ द इंप्रूवमेंट इन द इस्लाम, यू कैन से। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो कई सारे एक्चुअली सिलसिले, मतलब कि जिस तरीके से वहां पर राम भक्ति बोल दीजिए या फिर जो है बाकी और भी चीजें बोली जाती हैं, तो यहाँ पर भी सेम वैसी ही चीजें जो होती हैं आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर कई तरीके के सिलसिले में बट गए थे। जिस तरीके से वहां हम लोग संप्रदाय बोलते हैं, सेम वैसे यहाँ पर होते हैं सिलसिले।
तो सिलसिला हो जाता है यहाँ पर। जो इसमें से इंपॉर्टेंट सिलसिले हैं वो है चिश्ती सिलसिला, अभी हम लोग आगे बात भी करेंगे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके जो होते हैं सिलसिला, मतलब कि चिश्ती सिलसिला के जो होता है वो फाउंडर होते हैं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सूफी सेंट हु सेटल्ड इन अजमेर विच बिकेम द सेंटर ऑफ इट्स हिज एक्टिविटीज। अच्छा एक चीज यहां बताइए, अजमेर किसने फाउंड किया था, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अजमेर, बताइए, बात कर रखे हैं हम लोग। ये थे बेसिकली चौहान डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी के लोगों ने जो है ये मतलब कि फाउंड किया था, ये एस्टैब्लिश किया था अजमेर को। ही हैड अ नंबर ऑफ डिसिपल्स हु आर कॉल्ड सूफी ऑफ द चिश्ती ऑर्डर या चिश्ती सिलसिला, यही चीज है बेसिकली, समझ में आया क्या है। आगे इसी तरीके से इनके और स्टूडेंट्स होते हैं और अलग अलग तरीके के ऑर्डर सामने आते हैं, और उसमें से एक और इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका नाम है बहाउद्दीन जकारिया। He is the another renowned Sufi saint who was influenced by Shihabuddin Suhrawardi. और इस तरीके से जो होती है Suhrawardi order भी सामने आ गया था। Number of orders हमारे पास हैं, जैसे Suhrawardi हो गई, कादरिया संप्रदाय हो गया, या फिर आपकी चिश्ती सिलसिला हो गया, फिर दौसिया सिलसिला हो गया। तो number of सिलसिलेज हैं, हम लोग बात करेंगे, number of orders हैं, इनके बारे में भी हम लोग आगे discussion करेंगे। नेक्स्ट आते हैं निजामुद्दीन औलिया, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, और इनफैक्ट ये जो है इन्होंने मतलब मैरिज नहीं की थी, ये जो होते हैं वो सिंगल थे। ही बिलोंग टू द चिश्ती ऑर्डर हु इज रिगार्डेड टू एज अ माइटी स्पिरिचुअल फोर्स। अगर इसके बाद आगे डिस्कशन किया जाए तो सूफिज्म हाइलाइटेड द इसेंशियल ऑफ लव एंड डिवोशन एज द इफेक्टिव मीन्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। अच्छा यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कुरान जो इनकी होली बुक है, मतलब इस्लाम की जो होली बुक है, और दूसरे होते हैं जो शरिया है, शरिया इज समथिंग डिफरेंट, शरिया जो होती है वो डिफरेंट है कुरान से, ठीक है, दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, ये ध्यान में रखिएगा। शरिया जो होती है वो एक तरीके से काफी रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, दिस इज द स्ट्रक्चर हाउ यू प्रीच द रिलीजन, जबकि कुरान जो होती है ये आपको बताती है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं, कैसे हमें एक तरीके से समझ लीजिए दिस इज द गीता ऑफ इस्लाम, ठीक है। और यहां पर जो होती है मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट शरिया में म्यूजिक वगैरह को मतलब कहा गया है कि दिस इज हराम, ये जो है म्यूजिक वगैरह हमें नहीं यूज करना चाहिए प्रीचिंग्स के दौरान में, जबकि कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो यहां पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअली द प्रॉब्लम हियर इज कुरान इज रिटन इन अरेबिक, एंड अरेबिक का जब भी ट्रांसलेशन किया जाएगा तो ऑब्वियसली जो ट्रांसलेटर है वो अपने हिसाब से ही करेगा, एंड दैट इज वाई ट्रांसलेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं जो होती है सोसाइटी में एक थोड़ी सी डिफरेंट आइडियोलॉजी जरूर लेकर के आ जाती है। तो यही चीज आपको यहां पर जानने की जरूरत है। सूफिज्म ने जो है बेसिकली जो लव और डिवोशन है वो बेसिकली कहा रियलाइजेशन ऑफ गॉड के लिए जरूरी है, और इस लव एंड डिवोशन के लिए दे पिक्ड म्यूजिक एज अ मीन, तो ये म्यूजिक को एक तरीका मान करके चले थे। सूफिज्म बिलीव्ड सर्विस टू ह्यूमैनिटी वॉज इक्वल टू सर्विस टू गॉड। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर हम मानवता के लिए काम करेंगे तो वैसे ही जो होती है गॉड की भी सर्विस हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द सूफी लव ऑफ गॉड मींस लव ऑफ ह्यूमैनिटी। इन सूफिज्म सेल्फ डिसिप्लिन इज एसेंशियल टू गेन नॉलेज ऑफ गॉड विद अ सेंस ऑफ इनसाइट। इन्होंने कहा कि खुद अपने अंतरात्मा में मतलब कि अंदर खुद के झांक करके देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन करिए, न कि आप सोसाइटी को देख करके, आपको अपने इनर सेल्फ में झांकना है, ना कि सोसाइटल ऑर्डर को देखना है। अगर हम लोग बात करें सूफिज्म और इस्लाम में, हालांकि आपको इतना तो डिफरेंस अब समझ में आ ही हो गया होगा कि इस्लाम इज अ रिलीजन, इस्लाम एक रिलीजन है जो आपको रिलीजियस बातें बताता है, बताता है कि किस तरीके का इस्लाम है और क्या फॉलो किया जाता है इस्लाम में, जबकि सूफिज्म क्या है, सूफिज्म है इस्लाम को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इस्लाम को किस तरीके से हम आगे लेकर के जा सकते हैं। तो सूफिज्म आप कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ डूइंग्स, मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं दिस इज अ कंडक्ट, जबकि इस्लाम क्या है, दिस इज अ रिलीजन। तो ये दोनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। कई लोग सूफिज्म को इस्लाम के साथ में कंफ्यूज होते हैं कि दोनों सेम चीज है, बट एक्चुअली दे आर बहुत डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस अच्छा खासा है, दैट मेक दिस यूनिक। सूफिज्म इज मोर फ्लेक्सीबल व्हेन इट कम्स टू प्रेइंग द लॉर्ड इन ओन वे, हाउएवर इस्लाम हैज सर्टेन फिक्स्ड रूल which need to be followed in the approach of worshipping God. तो अगेन जो है दोनों चीजें आप लोगों को समझ में हो गई, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे बात करते हैं और देखते हैं जरा सूफी और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स के बारे में कि आखिर में क्या चीज है।
देखिए सूफिज्म जो होती है वो इनर प्योरिटी के बारे में बात करती है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये बोलता है कि आप खुद के अंदर झांक करके देखिए बजाय सोशल सोसाइटी को देख करके, जबकि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स है दे फोकस्ड ऑन द एक्सटर्नल कंडक्ट इन द सोसाइटी, किस तरीके से सोसाइटी में लॉज वगैरह फॉलो हो रहे हैं, दैट वॉज फोकस्ड बाई द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स। और यही दोनों में एक डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस सामने निकल करके आया था। सूफी में बात करें तो दे कंसिडर लव एंड डिवोशन एज द ओनली मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन, जबकि यहां पर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे दे बिलीव्ड इन ऑब्जर्वेशन ऑफ रिचुअल्स विच दे बिलीव्ड हेल्प इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म। देखिए दोनों में एक बहुत ही छोटा सा मैं डिफरेंस बताता हूं। जैसे क्या है कि इस्लाम में एक चीज होती है जकात बोला जाता है, दिस इज जकात। जकात में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अपने इनकम का आप 10% या कुछ परसेंटेज जो है वो दान कर रहे होते हैं, और उस दान की हुई चीजों से जो है, जो मान लीजिए पुअर है या सोसाइटली बैकवर्ड है, उनकी हेल्प की जाती है, तो ये होते हैं ज़कात का मतलब होता है। अगर बात करेंगे तो दिस इज अ वेरी नोबल वर्क, बहुत ही अच्छा काम होता है, क्योंकि यही तो बल्कि हर एक धर्म यही सिखाता है कि आप अपने, जैसे कि आप बुद्धिज्म में भी देखेंगे तो वहां पर क्या बोला गया, जैन में बोला गया अपरिग्रह, कि आप इतना धन का संचय मत करिए, इतना मनी का संचय मत करिए कि आप कंट्रोल्ड में ही ना रहे, तो आप अपनी जरूरतों के हिसाब से रखिए और बाकी चीजों को लेट अदर्स टू गेन, बाकी चीजों बाकी लोगों को भी तो देने दीजिए। तो सेम वही यहां पर भी चीज है, अगर आप मान लीजिए प्रॉस्परस हैं, इफ यू हैव ऑल द थिंग्स देन ऑब्वियसली यू शुड डिलीवर दैट टू द पुअर वंस, या जो भी बैकवर्ड है या जो भी मान लीजिए पिछड़े हैं उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन एक तरीका होता है कि ये आपसे जबरदस्ती लिया जाए, फोर्सफुल तरीके से लिया जाए, और ये जो फोर्सफुल है इसको बोलेंगे कि दिस इज द रिजिड स्ट्रक्चर एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। लेकिन अगर ये आप अपने मन से करते हैं, वॉलंटरी रूप में करते हैं, आप अपने इनर सेल्फ को आत्म शांति करने के लिए, अगर मान लीजिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, तो ये होता है सूफिज्म। तो आई गेस दोनों चीजों में क्लियर हुआ होगा क्या चीज है। सूफिज्म एम्फसाइज्ड ऑन गुड एक्शन, मेडिटेशन, परफॉर्मेंस ऑफ प्रेयर्स, पिलग्रिमेज, रिपेंटेंस फॉर सिंस, फास्टिंग, चैरिटी, सप्रेशन ऑफ पैशन फॉर ऑस्टियर मेजर्स। तो खैर इतना कुछ है नहीं, ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं, सब इंग्लिश के वर्ड्स लिखे गए हैं। द लिबरल एंड अनऑर्थोडॉक्स फीचर्स ऑफ सूफिज्म हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिवल भक्ति सेंट्स। तो दोनों का आपस में एक कह लीजिए कि जो होता है एक मिला जुला असर देखने को मिला था। इनफैक्ट जो सूफिज्म थी ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो थी इस्लामी की थी, एक्चुअली इन्होंने कई सारे लोगों ने भक्ति मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। जैसे रज्जक के बारे में बात करें, आपके बाकी रहीम के बारे में बात करें, तो ये लोग बेसिकली क्या थे, ये मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, तो ये लोग इस्लामिक थे, लेकिन ये लोग जो ये जो है भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए हुए थे। इनफैक्ट यहाँ पर एक है बाबा फरीद, बाबा फरीद के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। बाबा फरीद या इन्हीं का नाम है शेख फरीद, शेख फरीद, ये जो शेख फरीद या बाबा फरीद थे, इनका गुरु नानक के साथ में अच्छा खासा एक रिलेशन था। इनफैक्ट गुरु नानक जो है वो बाबा फरीद से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, और इसी कारण से जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी बाबा फरीद का मेंशन किया गया है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये द डिविजन वॉज नॉट इन द सोसाइटी, दोनों लोग मिल करके ही काम कर रहे थे। दोनों देखिए अगर सोच अच्छी होगी तो ऑब्वियसली देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस वेदर यू आर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। डिफरेंस जो होती है वो एक्चुअली सोसाइटी पैदा करती है, दिस इज एक्चुअली द पॉलिटिकल, ये एक्चुअली किया जाता है फॉर टू गेन द पॉलिटिकल एडवांटेज, दिस इज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। ये दोनों चीजें जो होती है वो हैंड इन हैंड चलती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली देश बनता है वहां की जनता से, उसके धर्म से नहीं बनता है। ओके सूफिज्म के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर देखिए कई सारे सिलसिला या कई सारे ऑर्डर्स बेसिकली आए थे। इन ऑर्डर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले द इंपॉर्टेंट वन इज द चिश्तिया सिलसिला, जिसपे जो होता है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं और काफी ज्यादा बड़ा भी है ये डिस्कशन। आगे बात करें तो सोहरावर्दी सिलसिला हो जाती है, इसी तरीके से फिरदौसिया सिलसिला है, कादरिया सिलसिला है और नक्शबंदी सिलसिला है। यहां पर अगर बात करेंगे तो देखिए कादरिया और जो नक्शबंदी है ये काफी रिजिड था, और इनफैक्ट बहुत ही कह लीजिए कि दिस इज बेसिकली फोकसिंग ऑन द शरिया इंस्टेड ऑफ द कुरान, और इसी वजह से यहां पर जो म्यूजिक वगैरह है उसको इन्होंने नहीं यूज किया, मतलब कि ये अगेंस्ट म्यूजिक थे, अगेंस्ट द यूज ऑफ म्यूजिक थे, जबकि ऊपर के जितने भी लोग हैं ये लोग म्यूजिक और जितनी मतलब कि हर एक तरीके की चीजें यूज करते थे, नाच गाना सब कुछ यूज किया जाता था। इसके अलावा एक और है शतरिया, शतरिया इज अगेन वेरी रिजिड सिस्टम, और इनफैक्ट जो दारा शिको और औरंगजेब वगैरह थे इन्होंने यही नक्शबंदी ही फॉलो किया हुआ था, और इसी वजह से काफी ज्यादा रिजिड थे, बहुत ज्यादा ये टफ थे।
आगे अगर बात किया जाए वन बाय वन करके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चिश्तिया सिलसिला के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर देखिए अब आपको याद क्या क्या करना है, ये पूरी टेबल आपको याद करनी है। इसमें देखिए यहां पर सूफी लोगों के नाम लिखे गए हैं और इनका कंट्रीब्यूशन लिखा गया है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और यही आपको बेसिकली याद करना है। दिस इज द मोस्ट रिफाइंड फॉर्मेट ऑफ नोट्स which is useful for your examination। यहाँ पर देखिए one by one अगर करके बात किया जाए, तो देखिए ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, ये जो है वो चिश्ती संप्रदाय के सिलसिले के चिश्ती ऑर्डर के ये फाउंडर थे, इन्होंने ही स्थापित किया था, लेकिन ये पर्शिया में किया था। इंडिया में किसने किया था? इंडिया में किया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, और इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है, वही चिश्ती दरगाह या फिर मोइनुद्दीन दरगाह या फिर ख्वाजा साहब दरगाह के नाम से भी इनको जाना जाता है। अजमेर में जाते हैं लोग, ठीक है। इनफैक्ट जाकर के देखिएगा, दिस इज वेरी गुड। अगेन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो सूफी आते हैं वो ख्वाजा बख्तियार काकी आते हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी, इनके जो डिसिपल्स हैं या इनके जो शिष्य हैं वो शेख बदुइन गजनवी थे और बाबा फरीद थे। देखिए क्वेश्चन अगेन आता है, इस वजह से आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, याद करके रखिएगा। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि जिस ऑर्डर में लिखा गया उसी ऑर्डर में याद करिएगा, इससे क्या होगा कि जो डिसिपल्स हैं शिष्य हैं वो आप नीचे नीचे पाते जाएंगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। आगे अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है शेख हमीउद्दीन नागौरी। ये जो हमीउद्दीन नागौरी थे, बेसिकली राजस्थान के नागौर जिले में ये बेसिकली जो होता है अपनी प्रीचिंग्स, अपनी कह लीजिए कि जो होता है सूफिज्म को फैला रहे थे। इनको सुल्तान ने कहा था, सन्यासियों का सुल्तान, इनको एक टाइटल दिया गया था जिसको बोलते हैं सुल्तान तारिकीन। दिस इज बेसिकली सुल्तान तारिकीन, जिसका मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान। आगे अगर बात करें तो देखिए बाबा फरीद, जो कि बेसिकली काकी जी के जो होता है वो शिष्य थे, और इनके जो शिष्य थे वो थे निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने शादी नहीं की थी। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनका मेंशन मिलता है, और उनका जो गुरु नानक के साथ में एक अच्छा खासा रिलेशन था, गुरु नानक इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। आगे बात करें तो शेख निजामुद्दीन औलिया आ जाते हैं। इनके जो डिसिपल्स, इनके जो शिष्य हैं, कई सारे लोग हैं और काफी इनका इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत नाम है इनका चिश्ती सिलसिला में, चिश्ती ऑर्डर में। इनमें कौन कौन से शिष्य हैं? अमीर खुसरो हो गए, इसके अलावा सोहराबुद्दीन उस्मानी हो गए, बुरहानुद्दीन गरीब हो गए, या फिर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हो गए। अगर बात करें हम लोग उस्मानी साहब के बारे में, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी के बारे में, इनको सिराज भाई के नाम से भी जाना जाता है। इनको टाइटल दिया गया था आयन ए हिंद, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब के बारे में, ये जो होते हैं वो साउथ इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे। तो अगेन कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि साउथ इंडिया में चिश्ती संप्रदाय किसके द्वारा फैलाया गया था, तो आप बता देंगे शेख बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा। जो क्वेश्चन बनेंगे देखिए वो इसी स्लाइड से, इसी टेबल से ही बनते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो वहां पर भी आपको ये चीज जानकारी हो जाएगी, इसलिए ध्यान में रखिएगा, टेबल याद रखिएगा। आगे बात करें तो शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी आते हैं, जो कि बेसिकली सक्सेसर ऑफ औलिया थे। बेसिकली औलिया ने इन्हें अपना, जो निजामुद्दीन औलिया थे, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और इनफैक्ट इसीलिए काफी ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस भी है। आगे अगर बात करें, इनका नाम है ख्वाजा सैयद मोहम्मदुद्दीन गेसुदराज। गेसुदराज का मतलब होता है एक्चुअली क्या है, इनके बाल बड़े लंबे लंबे थे और इसी वजह से इनका नाम जो है, इनको एक टाइटल दे दिया गया था, या कह लीजिए कि एक तरीके से इनको एक और नाम दे दिया गया था गेसुदराज के नाम से। इसके अलावा इनको एक और नाम जोड़ा जाता है बंदा नवाज, बंदा नवाज के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने जो है एजुकेशन सेंटर एक ओपन किया था बहवनी में, और ये बेसिकली कर्नाटक में इन्होंने अपना स्टार्ट किया था, अपना जो शिक्षा केंद्र है या जो इन्होंने अपना एजुकेशनल सेंटर, एजुकेशनल हब स्टार्ट किया था, वो कर्नाटक में बहमनी एम्पायर में किया था। आगे अगर बात करें तो शेख सलीम चिश्ती आते हैं, इनका भी टाइटल जो है शेख उल हिंद है। ये कंटेम्प्ररी थे अकबर के। एक चीज यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि चिश्तिया सिलसिला खत्म हुआ तब फिर फिरदौसी आया, फिर कादरिया आया, फिर नक्शबंदी आया, फिर सत्तारी आया, ऐसा नहीं है। देखिए पैरेलली ये जो है सारे ही सिलसिले, सारे ही ऑर्डर चल रहे थे। इनफैक्ट कई सारे तो ऐसे सूफी हैं जो मल्टीपल सिलसिला के थे, जैसे कुछ लोग थे जो चिश्तिया सिलसिला के भी थे और साथ ही साथ जो है वो फिरदौसिया के भी थे। तो यहां पर ऐसा आप सीक्वेंस क्रोनोलॉजी बिठाने की कोशिश मत करिएगा कि एक लोग जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट है दूसरे से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बात करें अगर तो शेख अब्दुल कस्साब गंगोही,
इनको टाइटल दिया गया था अलख, अलख नाम से एक्चुअली ये अपनी रचनाएं करते थे, अपने जो राइटिंग्स है वो अलख नाम से किया करते थे। तो जैसे अलख निरंजन बोला जाता है ना, तो अलख नाम से इन्होंने राइटिंग्स वगैरह की थी। इनकी एक बुक का नाम है रुश्दनामा, नॉट इंपॉर्टेंट एज सच, केवल आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। रुश्दनामा इन्होंने जो है एक राइटिंग लिखी थी, जैसे सलमान रुश्दी साहब है तो रुश्दनामा, रुश्दी से रुश्द आप याद कर सकते हैं, रुश्दनामा इन्होंने जो है लिखा हुआ था। इसके अलावा लास्ट एक और आ जाते हैं जिनका नाम है शेख निजामुद्दीन फरूकी। इतना इंपॉर्टेंट है सच नहीं है, और इस वजह से जो होता है इसके बारे में जो होती है उसकी कुछ खास फाइंडिंग्स नहीं है। आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट आते हैं सुहरावर्दी सिलसिला और फिरदौसिया सिलसिला और कादरिया सिलसिला। वन बाई वन करके अगर डिस्कस करें, सबसे पहले सुहरावर्दी सिलसिला के बारे में अगर, तो देखिए यहाँ पर जो फाउंडर है उनका नाम है शेख जियाउद्दीन या फिर सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ये बेसिकली फाउंडर थे इस सुहरावर्दी सिलसिला के। इनके जो डिसिपल शिष्य थे उनका नाम है बहाउद्दीन जकारिया। जो बहाउद्दीन जकारिया साहब है या शेख बहाउद्दीन जकारिया साहब है, इनका टाइटल, इनको उपनाम दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा शेख उल इस्लाम। एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है, केवल जानने के लिए समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। हुआ क्या था कि जो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे ये बेसिकली काबुल अफगानिस्तान में थे, और अफगानिस्तान जो है कबाची के नाम से जाना जाता था। जो कबाची थे उसका जो रूलर था वो, उसके जो संबंध थे, रिलेशन थे जकारिया साहब के साथ, वो अच्छे नहीं थे। एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट जो इल्तुतमिश इंडिया में दिल्ली सल्तनत में था उसको इन्होंने कहा था, इनवाइट किया था, और आकर के जो होता है ये कबाची के जो रूलर था, जो उसका एम्परर था, उसको मार करके अल्टीमेटली जो है वो अपने कब्जे में ले लिया गया था। और इस तरीके से इल्तुतमिश ने ही शेख उल इस्लाम का टाइटल जकारिया साहब को दिया हुआ था। क्लियर हो गया क्या चीज है? स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज जस्ट टू गेट यू अ फील कि आखिर में क्या इसका मतलब है। आगे अगर बात करें तो शेख जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त, ये बेसिकली सूफी हैं। इनको टाइटल अगेन दिया गया था शेख उल इस्लाम का, लेकिन ये दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शेख मूसा थे, ये जो है वो लेडीज कॉस्ट्यूम में रहते थे, मतलब स्त्रियों के वेशभूषा में रहते थे शेख मूसा। तो अगेन ये जो होता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर स्टेट पीसेस वगैरह में पूछा जाता है कि कौन जो है लेडीज कॉस्ट्यूम में रहता था, तो आप बता देंगे शेख मूसा जो है वो लेडीज कॉस्ट्यूम में रहते थे। इसके अलावा दो और लोग इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ खास कंट्रीब्यूशन तो नहीं है लेकिन हाँ नाम इंपॉर्टेंट है। वन इज द हमीउद्दीन नागौरी एंड सेकेंड वन इज द शाहदुल्ला दरियाई। तो ये जो है बेसिकली इन दोनों लोगों के नाम भी जो होता है इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो होता है नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें हम लोग फिरदौसिया सिलसिला के बारे में। तो देखिए फिरदौसिया सिलसिला जो है अगेन इतना बड़ा नहीं है, केवल छोटा सा ही है, दो ही लोग हैं इसमें, और जो इसके फाउंडर है जिन्होंने स्टार्ट किया था उनका नाम है शेख बदरुद्दीन समरकंदी। ये जो है बेसिकली स्टार्ट किए हुए थे। और अगेन देखेंगे तो ये जितने भी अभी तक हम लोगों ने सिलसिला बात किया है ये सारा का सारा नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में फ्लरिश कर रहा था, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पाकिस्तान का मुल्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या फिर दिल्ली हो, तो ये जो एरिया है वो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में ही था। लेकिन हम लोग आगे बात करेंगे जब सोहरावर्दी वगैरह के, सॉरी आगे जब बात करेंगे कादरिया वगैरह के बारे में, तो वहां पर हमें जो है वो अलग अलग जो होता है रीजन देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करा जाए तो इनमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है शेख शफुद्दीन याहिया मनेरी, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी याद रखिएगा। पूछ दिया जाता है कई बार की जो होता है चार पांच दे दिए जाएंगे सूफी के नाम, और बोल दिया जाएगा बताइए कौन कौन से सोहरावर्दी ऑर्डर के थे या फिर फिरदौसिया ऑर्डर के थे, तो वहां से आपको जो होता है नाम याद रखेंगे तो याद रहेगा। आगे अगर बात किया जाए कादरिया सिलसिला के बारे में, कादरिया सिलसिला ये वही है जो बेसिकली म्यूजिक के अगेंस्ट था, और ये जो है वो शरिया को ज्यादा बल देता था, फोर्स देता था। यहां पर अगर बात करें तो इसके जो फाउंडर है वो बेसिकली अब्दुल कादिर जिलानी साहब है, और ये बेसिकली जो होता है म्यूजिक के अगेंस्ट में थे। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट इसमें सूफीज हैं, जैसे एक है सैयद मखदूम जिलानी, इनके जो डिसिपल शिष्य थे वो सिकंदर लोदी थे और दारा शिकोह थे। इसके अलावा शेख हामिद गंज बख्श थे, और ये बेसिकली कंटेम्प्ररी टू द अकबर है, लेकिन अकबर ने फॉलो नहीं किया ही नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, अकबर ने फॉलो नहीं किया है, ये केवल कंटेम्प्ररी टू अकबर है। अकबर ने जो फॉलो किया था वो चिश्ती ऑर्डर फॉलो किया हुआ था। इनफैक्ट अकबर जो है जो दरगाह है अजमेर का, उसको जो है दो बार मतलब कि गया भी था दरबार में। आगे अगर बात किया जाए तो शेख मीर या फिर मियां मीर बोला जाता है,
एंड दिस इज बेसिकली जो होता है इस कादरिया संप्रदाय के कादरिया सिलसिला के काफी इंपॉर्टेंट ये सूफी हैं। इनके जो एक टीचर थे, मतलब कि ये जिसके शिष्य थे, ये जिसके डिसिपल थे, जो इनके पीर साहब थे, वो थे मुल्ला शाह। और इनफैक्ट जो है मियां मीर के दो स्टूडेंट थे, वन इज द दारा शिको एंड सेकेंड वन इज इसकी सिस्टर जहान आरा बेगम। दारा शिको ने जो है मीर शेख के ही ऊपर एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है शेख्या उल औलिया, तो शेख से शेख्या उल औलिया। और जहानारा बेगम ने जो है इनके टीचर के ऊपर में लिखा हुआ था जिसका नाम है साहिबिया। देखिए दारा शिको जो होते हैं बहुत लिखने पढ़ने वाले आदमी थे और इन्होंने जो है कई सारी चीजों का जो है अनुवाद किया था, मतलब कि कई सारी चीजों का इन्होंने जो होता है पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया था, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे इसी में एक अमृत कोश बुक हुआ करती थी उसका भी इन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ था। तो इस वजह से जो होता है ये ध्यान में रखिएगा, उपनिषद वगैरह का भी इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। अब आप समझ सकते हैं कि जो होता है रिलीजन वॉज एग्जैक्ट रिजल्ट वॉज नॉट द नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस नहीं था बल्कि दोनों लोग मिलकर रहते थे, एक दूसरे की चीजों को सीखते समझते रहते थे। आगे अगर बात किया जाए तो नक्शबंदी सिलसिला आता है और लास्टली आ जाता है सतरिया सिलसिला। ये दोनों अगेन वही रिजिड फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर थे, रिजिड फॉर्मेट ऑफ इस्लाम प्रीचिंग्स थे। यहां पर अगर बात किया जाए सूफी के बारे में तो एक साहब है ख्वाजा बाकी बिल्ला। ख्वाजा बाकी बिल्ला जो है ये बेसिकली फाउंडर है, ये रिजिड फॉर्मेट ऑफ सिलसिला था, मतलब बहुत ही कट्टरपंथी इसमें थी, एम्फसाइज्ड मोन ऑफ शरिया इंस्टेड ऑफ कुरान, जैसा कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। ये म्यूजिक के भी अगेंस्ट थे। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे एक है ख्वाजा ख्वाद महमूद, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ख्वाजा बकी बिल्ला बेरंग, तो अगेन जो है इसमें केवल बेरंग नाम एक एक्स्ट्रा मतलब कि टाइटल ऐड हो गया है। ये एम्फसाइज किए थे टीचिंग्स ऑन द मोहम्मद साहब, इन्होंने कहा कि जो मोहम्मद साहब की टीचिंग्स है हमें केवल उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि जो कट्टरपंथी या फिर बाकी चीजें हैं। इसके अलावा इन्होंने नेक्स्ट जो आते हैं सूफी शेख अहमद सरहिंद, ये इनका दूसरा भी नाम है, इसको मुहज़्ज़िद अलिफ सानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके शिष्य के बारे में बात करें तो जहांगीर और औरंगजेब इनके जो होता है वो डिसिपल्स थे। इसके अलावा शाह वाली उल्लाह, ये जो है कंटेम्प्रेरी टू द औरंगजेब थे, लेकिन औरंगजेब ने फॉलो नहीं किया था, औरंगजेब ने कादरिया सिलसिला फॉलो किया था। हालांकि देखिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन खैर जानते रहिए क्या चीज है। आगे बात किया जाए तो ख्वाजा मीर दर्द, ये जो है लास्ट है इसके नक्शबंदी सिलसिला के, और इन्होंने फोकस किया था कुरान के ऊपर, कुरान और उसकी टीचिंग्स के ऊपर इन्होंने फोकस किया था। शतरिया संप्रदाय के बारे में, शतरिया सिलसिला के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर जो फाउंडर है उनका नाम है शेख अब्दुल्ला सत्तार, ये फाउंडर थे। और इनका जो शतरिया सिलसिला है, शतरिया ऑर्डर, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर एशिया में बात करें तो इश्किया नाम से जाना जाता है, और जो तुर्क में अगर बात करेंगे तो बिस्तामिया नाम से जाना जाता है। सेंटर के बारे में बात करें तो देखिए अब ये स्टार्ट होता है ईस्टर्न साइड में, तो इनफैक्ट ये पूरा का पूरा ईस्टर्न से लेकर के वेस्टर्न हर जगह पे फैला हुआ था, जैसे सेंटर इनका बंगाल में था। इसके अलावा मोहम्मद गौस के बारे में बात करें तो इनकी जो सेंटर थी वो ग्वालियर थी, और इनके जो डिसिपल थे वो तानसेन थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं शाह वजीउद्दीन आते हैं, और इनका जो सेंटर था वो गुजरात में था। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोगों ने पूरा का पूरा ये डिस्कशन किया सूफिज्म के बारे में, इसके जो भी सूफी संत हैं और उनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस के बारे में। दिस विल बी ऑल अबाउट योर सिविल्स प्रिपरेशन, इसके अलावा आपको कुछ और भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर लेंगे जितने भी क्वेश्चन आंसर रिलेटेड विद जैनिज्म, बुद्धिज्म, भागवत संप्रदाय या फिर जितने भी हैं सबके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इन अ सेपरेट वीडियो। और इस तरीके से जो होती है हमारी ये पूरी की पूरी सीरीज जो होती है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। जितने भी लोग आर्ट एंड कल्चर या उससे रिलेटेड डिस्कशन में अगर मान लीजिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू कैन सब्सक्राइब टू दैट आर्ट एंड कल्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप इन चैनल्स का यूज कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।